अब हम 2 मिनट तक इसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करें। आर यू रेडी? यस मम्मी। रेडी हो? सेकंड नंबर पे है मम्मी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू पांडे व्लॉग्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं हूँ किचन में, आप लोग देख ही सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए नमकीन दलिया बनाने, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। वैसे हम लोग फास्ट रहते हैं, लेकिन मम्मी की भी तबीयत नहीं सही और मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब तबीयत नहीं सही लग रही थी। तो इस वजह से आज मेरा भी फास्ट नहीं है, तो चावल की खिचड़ी या तहरी नहीं बना के खा सकते। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मम्मी के लिए नमकीन दलिया। काइंड ऑफ खिचड़ी या तहरी टाइप ही बनाऊँगी, लेकिन दलिया की बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी अपनी जो रेसिपी है वो मैं थोड़ी सी हल्की हल्की से शेयर कर दूंगी। और ये मेरे पीछे चूहा भी खड़ा हुआ है, कि तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज जो है गोलगप्पा चैलेंज होने वाला है। तो थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे। तो गोलगप्पा चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा अभी वो हम लोग अभी बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो रहा है। तो पहले मैं फटाक से मम्मी के लिए बना लेती हूँ दलिया, उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे गोलगप्पा चैलेंज। गोलगप्पा और सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं, इकट्ठी कर ली हैं, बनाया नहीं है मैंने, बाहर से ही ले लिया है। तो हम लोग अभी करेंगे चैलेंज और रुद्रा तो आएगा ही आएगा उसमें, है ना? हाँ। करना है? हाँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जो जीतेगा उसको अच्छा उसमें तुम अगर कोई जीते तो उसमें भी कुछ चाहिए? हाँ। 10 रुपए। तो चलिए जल्दी से पटाख से मैं बना ली यहाँ मम्मी के लिए, और क्योंकि मैंने दवा भी दे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ली है दलिया, और दलिया में मैंने थोड़ी सी मूंग दाल भी ली है। अब मैं इसे पहले अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। दलिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल और दलिया को अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बारीक कुछ आलू भी काट ली है, मिर्च, धनिया, और इधर साइड में है प्याज। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रखी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है कुकर, और कुकर में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल डाल के नहीं बनाऊँगी तहरी। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है, और ऑयल हमारा लगभग गर्म भी हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ प्याज। ज़ीरा हींग का तड़का मैं ऊपर से लगाऊँगी, इसलिए मैं इसमें ज़ीरा जो है स्किप कर रही हूँ अभी। ये मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से हरे बारीक कटे हुए मिर्च, और इसके बाद में मैं इसी में डाल दूंगी टमाटर। टमाटर हमारे थोड़े से पक गए हैं, और इसी स्टेज पे मैंने जो आलू काट के रखी हुई है वो मैं इसमें डाल दूंगी। ऐसी बना रही हूँ कि मतलब वो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, इसलिए मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ जो मैंने दलिया और मूंग दाल को धुल लिया था, अब मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँगी। अब हम 2 मिनट तक इसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिसे होता क्या है कि थोड़ा सा एक टेस्ट जो है अलग ही आ जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे चला चला के इसको हल्का सा फ्राई कर ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो दलिया है और जो सब्जियाँ हैं वो अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं इसमें थोड़ा सा पहले डालूँगी हल्दी पाउडर, बहुत ही हल्का सा कलर मुझे चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी इसमें डाली है, हल्दी पाउडर। उसके बाद में इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर। नमक इसमें मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि मैं पहले डाल देती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं मिलता। जब मैं पानी इसमें डाल दूंगी, नमक मैं इसमें तभी डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, तो पानी मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी, क्योंकि दलिया जो है थोड़ा सा मैं गीली गीली बनाऊंगी, इसलिए मैं ऊपर से डाल दूंगी हरी धनिया। नमक,
कुकर को बंद कर दे रही हूँ और करीब मैं इसमें लगाऊंगी 3 से 4 सीटी। हमारी जो दलिया है वो बहुत अच्छे से बन गई है और ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सही है, मतलब मुझे इतनी पतली और ऐसे पसंद है। अब मैं इसमें ऊपर से लगाऊंगी हींग और जीरा का तड़का। तो मैं इसमें डालूँ सबसे पहले जीरा, मैंने डाल दी हींग, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो दलिया है वो रेडी है। तो ये मम्मी की दलिया रेडी है, ये लो मम्मी। और ये रुद्रा भी इधर खा रहा है। खाओ और खा के बताओ कि दलिया कैसी बनी है। दिखा हम बताएंगे, आप दादी बताए। दादी बताना, अभी बहुत गर्म है ना, आराम से खाने दो दादी को पहले। तुम भी खाओ रुद्रा। हाँ अच्छी बनी ठीक है, चलो फिर हम भी खा लें। ये प्याज है तो इसको खाना हो खा ले। और ये मेरी दलिया, डब मेरे दिल का। मम्मी अच्छी बनी, मुझे वो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। चैलेंज की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी सारे, क्योंकि अभी देखते हैं पार्टिसिपेंट कितने होने वाले हैं चैलेंज में, तो इसलिए उसी हिसाब से मुझे तैयारी भी करनी है। तो मैंने यहाँ पे बर्तन सारे निकाल लिए हैं क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट जो है वो 4 होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि इन कटोरियों में मैं गोलगप्पे का पानी कर दूंगी, इसमें मटर, और इस वाली जो कटोरी है इसमें हम लोग बताशे रख के खाएंगे, मतलब गोलगप्पे रख के खाएंगे। और गोलगप्पे रखने के लिए मैंने ये प्लेट ले ली, तो ये भी यहाँ पे 4 प्लेट्स हैं। तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना है चैलेंज में। चलो फिर ये प्लेट ले चलो, वहाँ पे आराम से रखो चल के। और ये वाली प्लेट मैं लेके चल रही हूँ, ऐसे यहाँ पे रख लेंगे हम लोग। फ्रेंड्स फाइनली सारी प्रिपरेशन हो गई है गोलगप्पा चैलेंज की। ये देखिए यहाँ पे मम्मी, रुद्रा, और आर यू रेडी? यस मम्मी रेडी हो? हाँ रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम लोग खाते हैं गोलगप्पे और देखते हैं कौन जीतता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं एक लाइन से बैठ चुके हैं और उसमें मैं भी हूँ, लेकिन मैं भी सेट कर दूंगी मोबाइल को, उसके बाद में शूट करूंगी। तो ये सब लोग रेडी हैं और हम लोग का चैलेंज का सामान भी सारा रेडी है। मैंने जो है सबकी प्लेट यहाँ पे अलग अलग लगा रखी है। हर प्लेट में हम मैंने रखे हैं 7 बतासे, पानी और मटर। और सारे पार्टिसिपेंट जो है बिल्कुल यहाँ पे रेडी हैं खाने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे चैलेंज स्टार्ट होने जा रहा है। मम्मी के बतासे में मैंने मटर पहले से लगा के रख दी है क्योंकि मम्मी के हाथ में प्रॉब्लम है तो वो मटर नहीं भर पाएंगे इसलिए, और रुद्रा के, बाकी हम लोग खुद से भर के खाएंगे। रुद्रा वो कोई नहीं चलेगी, जल्दी जल्दी चीटी कोई नहीं चलेगी। 1 2 3 देखते हैं कौन जीतता है भाई। अरे रुद्रा का एक हो गया, वो क्या खा ली तुमने? अब तो तुम ही जीतने वाले हो रुद्रा, हरा दोगे क्या यार? अभी हम तो दो ही खा पाए, दो ही खाए। अरे रुद्रा तुम तो बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो। रुद्रा का प्रिंट सिर्फ एक ही बचा हुआ है और हम लोग के अभी, मेरे अभी 4 बाकी हैं, मम्मी के 3, हम ही सबसे पीछे हैं। तू तो डांस करने लगा।
तो फ्रेंड्स रुद्रा जीत चुका है फर्स्ट नंबर पे, अभी हम लोग का चल रहा है गोलगप्पा विनर रुद्रा। तो फ्रेंड्स सबके एक एक बच्चे हैं, मम तो सेकंड नंबर पे है मम्मी और मेरा और मम्मी का एक एक बचा हुआ है। मैं फर्स्ट नंबर पे, मम्मी सेकंड और सलवा थर्ड और दादी अभी तक खाई रही है। गोलगप्पे जो हैं वो खत्म हो गए, तो आज का विनर है रुद्रा। सबसे जल्दी रुद्रा ने फिनिश किए सारे बताशे। मजा आया चैलेंज में? रुद्र का पानी तो हम लोग का वैसे ही रख, पानी नहीं पियोगे? पानी का भी चैलेंज लेंगे, पानी तीखा भी है ना। हाँ, बहुत तुमने खा लिया। तो फ्रेंड्स हम लोग का गोलगप्पा चैलेंज यहीं पे कंप्लीट होता है। विनर तो पता ही हो गया आप लोगों को कि रुद्रा है, और तो मैं अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट मेरे चैनल पे अभी तक का मेरा फर्स्ट ये जो है चैलेंजिंग व्लॉग रहा है। तो आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो मैं अपने व्लॉग की भी एंडिंग कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये चैलेंजिंग व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आगे मेरा जो भी ब्लॉग है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम मिलेंगे आपसे एक नया ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।